तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो उन्होंने ये कहा था कि अरे आप लोग मेरिट में आए हुए कैंडिडेट हैं और आपकी नियुक्ति नहीं हो रही है, जी मेरी सरकार आने दीजिए, मेरिट की नियुक्ति सबसे पहले की जाएगी। आज वही सरकार कहती है थोड़ा इंतजार का मजा लिए, हम बेरोजगार हैं साहब, क्या मजा लेंगे हम बेरोजगारी में आलम में। नई सरकार, यही सरकार जब विपक्ष में थी तो वादा किया था कि जो आपका प्रतियोगिता परीक्षा हुआ है उसमें आप लोग मेरिट लिस्ट में चयनित हैं, उनकी नियुक्ति हम करेंगे। लेकिन आज जब सरकार सत्ता में आ गई तो टाल मटोल कर रही है, इसमें धांधली करना चाहते हैं दोबारा मेरिट बना करके, क्योंकि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के व्यवस्था पर फिर से मेरिट बनेगा। और उसमें जब आप ही बताइए डिग्री दिखा करके आप मास्टर बनाएगा तो बिहार की स्थिति क्या होगी, डिग्री कैसा। इस वक्त हमारी मौजूदगी सचिवालय के पास में है, यहाँ पे जो एसटीईटी 2019 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पे सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुँचे हुए हैं। देखिए लगभग सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में एसटीईटी के शिक्षक अभ्यर्थी लोग पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ इनकी मांगे आई है क्या करके जानने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है और हम लोग 2019 में आए हुए एसटीईटी परीक्षा में मेरिट में आए हुए कैंडिडेट हैं और हम अपनी मांग को रखने और यहाँ पे शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव से ये मांग रखने आए हैं कि सर आपने जो 60-40 का नया रेशियो रखा है, यानी आपने वो छल किया है हमारे साथ, क्योंकि तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो उन्होंने ये कहा था कि अरे आप लोग मेरिट में आए हुए कैंडिडेट हैं और आपकी नियुक्ति नहीं हो रही है, जी मेरी सरकार आने दीजिए, मेरिट की नियुक्ति सबसे पहले की जाएगी। आज वही सरकार कहती है थोड़ा इंतजार का मजा लिए, हम बेरोजगार हैं साहब, क्या मजा लेंगे हम बेरोजगारी में आलम में। आपके पास सत्ता है, सरकार से आज ये मांग रखने आए हैं कि आप 60-40 का रेशियो रखना है, रखें, हम इसमें भी आपत्ति नहीं करते हैं, लेकिन 100% एसटीईटी मार्क्स पे बहाली करें और मेरिट वालों की नियुक्ति सुनिश्चित करें। अगर सरकार वो भी नहीं करती है तो मेरिट में आए हुए कैंडिडेट को 10 अंकों का स्पेशल वेटेज दे ताकि उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हो सके, क्योंकि आप अपने बातों से परिपूर्ण रहेंगे और अपनी बातों पर भी आप रहें और हम स्टूडेंट भी खुश खुश और अच्छे क्वालिटी टीचर जा सके स्कूल में। मेरिट अभ्यर्थियों को 10 अंकों का वेटेज दो, इसका मतलब क्या हुआ? मेरिट अभ्यर्थियों के अगर सरकार 60-40 के अनुसार रेशियो बनाती है तो जो मेरिट में आए हुए कैंडिडेट हैं उनकी नियुक्ति सुनिश्चित कैसे होगी? सरकार एकेडमिक मार्क्स लेना चाहती है, यानी मैट्रिक और इंटर के नंबरों पे। आप ये बताइए कि जो बिहार बोर्ड में बच्चे हैं और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनमें मैट्रिक बोर्ड में काफ़ी अंतर हो जाता है, यानी उनका परसेंटेज अपने आप ऊपर चला जाएगा। और हम 30,675 अभ्यर्थी जो मेरिट में आए हुए हैं इनमें 100% कैंडिडेट जो बिहार बोर्ड से हैं जिनका एवरेज कम बनेगा, तो सरकार से ये मांग रखते हैं कि आप 10 अंकों का स्पेशल वेटेज दें ताकि उनके प्रतिशत में 10 अंक का स्पेशल जोड़े जा सके। क्या कहना चाहिए? नई सरकार बन गई, नई सरकार की गठन भी हो गई, फिर भी आप लोगों की मांगों को नहीं सुनी जा रही है। नई सरकार, यही सरकार जब विपक्ष में थी तो वादा किया था कि जो आपका प्रतियोगिता परीक्षा हुआ है उसमें आप लोग मेरिट लिस्ट में चयनित हैं, उनकी नियुक्ति हम करेंगे। लेकिन आज जब सरकार सत्ता में आ गई तो टाल मटोल कर रही है। हम लोग 3.5 लाख लोगों को बाहर करके मेरिट लिस्ट में जगह बनाए हैं, ऐसे नहीं बनाए हैं सर, खून पसीना मेहनत से बनाए हैं जगह। और सरकार आज कह रही है कि फिर से मेरिट बनेगा, 60-40 का रेशियो आएगा, 60-40 का रेशियो काला फरमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार फिर से मेरिट बनाने की मांग क्यों कर रही है? इसमें धांधली करना चाहते हैं दोबारा मेरिट बना करके, क्योंकि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के व्यवस्था पर फिर से मेरिट बनेगा। और उसमें जब आप ही बताइए डिग्री दिखा करके आप मास्टर बनाएगा तो बिहार की स्थिति क्या होगी, डिग्री कैसा। मैट्रिक इंटर का डिग्री चाहिए, कंपटीशन का नहीं, ये कंपटीशन में मेरिट में उसका नहीं, आप डिग्री दिखाओ नौकरी पाओगे तो मास्टर बनेगा, जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ले जाएगा। आप इसमें दलाली कमाना, आप जो चार किस्में दलाली कमा लेंगे, धांधली कर लेंगे, वो बर्दाश्त से बाहर है। हम लोग मेरिट में अभ्यर्थी है, मेरिट की नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए। आप 30,675 जो मेरिट में बनाए हैं उसको आप मानना पड़ेगा, नहीं हम धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। 60-40 का रेशियो हम लोग मानना ही मानने वाले। सरकार से क्या अपील है आप सभी की? हम लोग अपील है कि आप जो मेरिट में हुए जो नियुक्ति हम लोग को दीजिए, नियुक्ति पत्र दीजिए, कहा कि ऑलरेडी 30,675 मेरिट में है, तो आप इसको नियुक्ति दीजिए ना भैया मेरे, आप इसको क्यों बदल रहे हैं? आप इसको बदलिएगा तो आयोग के शिक्षक आ जाएंगे, डिग्री देखा नौकरी पाके बदलता है फिर से आयोग के शिक्षक किसमें भर्ती हो जाएंगे, वो हम लोग नहीं चाहते हैं। बिहार का बच्चे, गरीब के बच्चे शिक्षित पढ़े लिखे टीचर से पढ़ेंगे ना कि आयोग के शिक्षक से पढ़ेंगे, योग्य शिक्षक से पढ़ेंगे। इसके लिए मेरिट में आए हुए अभ्यर्थी को आप नियुक्ति दीजिए, दोबारा मेरिट मत बनाए, इसी का विरोध करने के लिए आज हम लोग सचिवालय गेट। मैम क्या कुछ कहना चाहिए? लगातार 3 वर्षों से आप लोग संघर्ष कर रही है, इसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही आप लोगों की बातों को। तो यही हम लोग सरकार को ही बात पहुंचाने के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आज भी सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग मतलब सरकार को कुछ कर तो नहीं सकते हैं, बस हम लोग अपने हक के लिए खड़े हैं, ये हम लोग का हक है। हम लोग चोरी करके नहीं आए हैं, हम लोग मतलब चीटिंग करके नहीं आए हैं, हम लोग अपने मेहनत से पढ़ के हम लोग आज इस मकाम पे पहुंचे हैं।
तो हम लोग को विज्ञापन का पालन किया जाए। अभी यहाँ पे किससे मिलने के लिए आई हैं आप लोग? हम लोग किसी से मिलने नहीं आए हैं, हम लोग बस फैसला जानने आए हैं कि क्या करना चाह रहे हैं उन लोग। किससे फैसला जानने के लिए आई हैं? जो बैठे हैं महासचिव, जो सचिव शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, वो कुछ दे दे हम लोग को आश्वासन। और तेजस्वी जी तो बस आश्वासन देते हैं कि धैर्य रखिए। कितना धैर्य रखा जाएगा? धैर्य रखने का एक सीमा होता है। थोड़ा सा धैर्य आप लोग रखना चाहिए ना। थोड़ा सा कितना? थोड़ा सा, 3 साल से तो धैर्य रख रहे हैं। तो नई नई सरकार बनी है, तो नई सरकार, ऐसा नहीं है कि नई सरकार बनी तो सरकार कुछ जान नहीं रही है। विपक्ष में सरकार हमारे साथ थी, सत्ता पे आने के बाद क्यों नहीं हमारे साथ है? तो हम लोग सरकार से बस यही चाहते हैं। विपक्षी पार्टी आपके साथ है? हम लोग को नहीं पता कि विपक्षी पार्टी साथ में है या नहीं है। अगर अभी यहाँ पे आप लोग से नहीं मिलेंगे, जो जिसे भी मिलने आई हैं आप लोग, क्या करेंगे आगे? इंतजार करेंगे यहीं पे बैठ के, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपना हक लेकर जाएंगे यहाँ से। देखिए सभी शिक्षक जो एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लगातार 3 वर्षों से पटना की सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, कई कई बार लाठियां खाए, कई कई बार सचिवालय का घेराव भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी एक भी वर्ड इनके बारे में सरकार नहीं बोलती है। इनको सिर्फ और सिर्फ मिलता है तो आश्वासन पे आश्वासन, उसको लेकर लगातार ये लोग प्रदर्शन करते रहते, लेकिन सरकार, अंधी बहरी सरकार, गूंगी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं रहती है। तो और इन्होंने क्या कुछ कहा, अभी आए मिलने के लिए सचिवालय में, लेकिन अभी शायद लगता है कि मिलने से रहे ये लोग, लेकिन चारों तरफ पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है, प्रशासन टाइट कर दी गई है, कभी भी इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा सकता है और इन लोगों के यहाँ से मार के भगाया जा सकता है। और देखिए जैसे कि सैकड़ों की ज़्यादा संख्या में यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, इनका क्या कुछ कहना है आपने सुना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहे द पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।